हमारे गांव के पास में ये एक फार्म हाउस है, तो उसमें आए हैं और उस थोड़ा सा खेती के बारे में जो अपना बेसिक हम कर सकते हैं, वर्मिंग कंपोस्ट का की खेती है, तो इसके बारे में जैविक खेती मतलब, तो हम थोड़ी सी जानकारी इनसे लेते हैं। यहाँ पे इंजीनियर मैनेजर है, तो ये बताएंगे इसे थोड़ा सा बारे में कि भाई कैसे कैसे शुरू करें, अगर हम अपना ये काम शुरू करना चाहें तो कैसे करें, और कितनी लागत आती है, और खाद कितने दिन में बन के तैयार हो जाता है, और आप कैंचो वगैरह जो भी है, मतलब सारी जानकारी मैं इनसे दिला दूंगा। अच्छा जी, थोड़ा बता दो कि अगर कोई जैसे बेसिक अपना शुरू करना चाहे तो मतलब कितना अगर खर्चा वगैरह मतलब कितना आ जाता है? देखिए सर, ऐसा है, ये बर्मी कंपोस्ट जो है, ये बर्मी कंपोस्ट थोड़ा लागत में, अच्छा, यदि आप जिम्मेदार हो, गृहस्थ हो, हाँ, तो आप अपना गोबर से ही, अच्छा, या भैंस का हो या गाय का हो, हाँ, दोनों से ही आप बना सकते हो। अच्छा, रह गई बात गोबर को कैसे हमको तैयार करना है, हाँ, इसका तौर तरीका, हाँ, गोबर को एकदम जितना भी गैस हो आप बाहर निकाल दो, हाँ, फिर उस गोबर को आप बेड में लो, अच्छा, बेड का कम से कम 6 इंच का गहराई होना चाहिए, अच्छा, जैसे कि अभी हमने बना रखा है। हाँ, थोड़ा सा दिखा दो एक बार कि भी। जैसे कि अभी हमने बना रखा तो इसकी गहराई मतलब 6 इंच के करीब मालूम ना है आप भरो, अच्छा, बशर्ते कि आप 4 इंच भी भर सकते हो। अच्छा, यदि हम नया स्टार्टिंग कर रहे हैं, हाँ, यदि हमने नया चालू किया, हाँ, तो हमारे पास केचुआ का संख्या कम है, अच्छा, क्योंकि केचुआ तो उतना हमारे पास नहीं होगा, तो थोड़ा केचुआ में हम अपना काम 10 बेड से मान लो। अच्छा, मतलब कम से कम मतलब कितने केचुए के मतलब, तो आप मान लेते हैं कि 10 मीटर लंबा, अच्छा, और 2.5 मीटर 3 मीटर बेड बना रहे हो, तो लमसम आपका उसमें कम से कम 15 से 20 केजी केचुआ होना चाहिए। अच्छा, 15 से 20 केजी, एक तो मतलब जैसे आपने बना रखे हैं, एक बेड बना रखे हैं, तो इसके अंदर हम कम से कम 2.5 से 3 किलो आप डालो। अच्छा, केचुआ, अच्छा, और यही केचुआ आप हर 15 दिन में, अच्छा, आपका डबल होते चला जाएगा। अच्छा, और इसका जो है सर, थोड़ा अपना तकनीक, अपना दिमाग, और इसका मशीन केचुआ ही है। अच्छा, जितना केचुआ ज्यादा बढ़ेगा उतना आपका खाद फास्ट बनेगा। अच्छा, हमने अभिषेक साहेब वर्मा का प्लांट के अंदर, अच्छा, अच्छा, यहीं पे सिंगोला में 12 दिन में 1 बेड से खाद का निकासी दिया। अच्छा, आज जिस गोबर को हमने डाला उसको हमने 12 दिन बाद निकासी दिया। अच्छा, इस चीज को आप जाकर पता भी। तो आपको मतलब कितने दिन का एक्सपीरियंस है इस चीज में कि भाई कितना दिन हो गया? इसका हमको 17 साल का सर। अच्छा, 17 साल हो गए हैं इन्हें इस काम में, और मतलब पूरा एक्सपीरियंस बोल सकते हैं कि, और इन्होंने जैसा आपको बताया कि और क्या क्या चीज से इसको बचाना है, पहले इस जमीन को, अब आप उसको, मैं उसमें पानी क्यों चला रहा हूँ, इस खाद को पहले दिमाग से बचाना है। अच्छा, ये खाद क्यों आया? अभी जो कूड़ा वाला खाद हम लोग यूज कर रहे हैं आज भी खेती, हाँ हाँ, उसमें दिम्बक जा रहा है। अच्छा, दिम्बक से बचने के लिए गोबर मिश्रा पानी चलाया जाता है, और साइड साइड में भी पानी चलाना है, ताकि वो ये खाद के अंदर दिम्बक नहीं आए। अच्छा, दिम्बक आएगा ये ज्यादा फल फ्रूट में यूज हो रहा है, फ्रूट को खत्म कर देगा, फल को खत्म कर देगा, पौधा भी खत्म कर देगा। अच्छा, देखो जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी पानी चला रहे हैं, इसमें पानी होता है दीमक से बचाने के लिए, अगर हम इसमें पानी नहीं डालेंगे तो फिर दीमक लग जाएगी और हमारा खाद खराब हो जाएगा, तो इसलिए पानी भी डालना जरूरी होता है। तो आप थोड़ा सा ऐसे बता दो कि मतलब जैसे हमने ये पानी डाला है, इसका प्रोसेस क्या होता है? पानी डालना गर्मी के दिन में तो गोबर को, गोबर से गैस निकालने के लिए पानी चलाते हैं। अच्छा, और ठंड का मौसम है या गर्मी का मौसम है? अच्छा अच्छा, जैसे नया बेड जब हमने चालू किया, तो इसलिए इसका पानी चला रहा हूँ ताकि हमारा गोबर भी तैयार हो जाए, और यदि दिम्बक वगैरह होंगे तो सारे मर। तो पानी हमें इतना ही भर के रखना है हमेशा या हमेशा नहीं रखना? अच्छा, फिर तो हमको 20% पानी रखना है। अच्छा, मतलब एक बार हमने डाल दिया, फिर इसके अंदर केचुए डाल दिए, केचुए डाल दिए और बस खत्म। हाँ, नमी रहना चाहिए, नमी रहना चाहिए, नमी चाहिए बोरी से या आप पुआल से, अच्छा, या केला के पत्ता से। अच्छा अच्छा, आप इसको ढक कर। अच्छा, हमेशा। अच्छा, थोड़ा सा बताओगे कि जैसे अगर कोई हमारा, जैसे कोई भाई हमारा जैसे स्टार्ट करना चाहिए बिजनेस को अपना, क्योंकि हर चीज कोई सोचता है आज के टाइम में कुछ नया करें हम, आपका घर का यदि खाद है, गोबर है, तो आप नॉर्मली 10 बेड 10,000 रुपये में चालू करें। अच्छा, 10,000, मतलब जो हमारी कॉस्टिंग आएगी वो 10,000 रुपये से हम अपने बिजनेस को शुरू कर सकते, चालू कर। तो इसमें बताओ ये मतलब कैचो वगैरह कहाँ से लेके आए, अगर क्या आप मतलब आप केचुआ तो आया तो आप दिल्ली पूसा रोड से ला सकते हो, सरकारी संस्था है। अच्छा, या और भाई कितने चला रहे हैं? अच्छा, अब रह गया कि थोड़ा सा आप एक बार मौसम के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, हाँ, यहाँ गर्मी में तापमान कितना होता है, हाँ, उस हिसाब से इसका भी केचुआ आते हैं।
जहाँ सर्दी का मौसम ज्यादा है वहाँ के केचुआ अलग होते हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ जो अभी यहाँ का जो फिलहाल रहता है जंगल भूंड का मौसम, इसके लिए केचुआ अलग। अच्छा। और सारे केचुआ हाईब्रिड क्वालिटी के लिए। दोस्तों मैं यहाँ पे अब खड़ा हूँ हरियाणा के अपने सोना सोने के पास में गांव पड़ता है, यहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसा कि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो हर जगह का टेम्परेचर अलग है। यहाँ पे जैसे गर्मियों में टेम्परेचर क्या है, तो उस हिसाब से कैंचे भी अलग अलग होते हैं। तो अगर कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे और कैंचे लेने से पहले अपने वहाँ का टेम्परेचर पता कर ले और टेम्परेचर के बारे में बता दे कि भाई हमारे वहाँ पे नॉर्मली टेम्परेचर ये होता है और हमें कैंचे चाहिए, इस हिसाब से कैंचे चाहिए, तो उस हिसाब से कैंचे मिल जाते हैं। तो आप जैसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे आपसे, तो क्या आप दिला सकते हो कैंचे कैंचे? अच्छा, तो इनका नंबर मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन से आप इनका नंबर ले सकते हैं और आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको कैंचे दिला देंगे। धन्यवाद। और थोड़ा सा दिखा देते हैं, और इन्होंने वहाँ पे कर रखा है, उसे साइड से कवर भी कर रखा है, मैं तो वाला दिखा दूँ। देख सकते हो आप यहाँ पे जैसे इन्होंने कवर कर रखा है इन्हें, क्योंकि यहाँ पे इन्हें टेम्परेचर नॉर्मल रखना है, ना ज्यादा सर्दी, मतलब एकदम नॉर्मल, एक कम खर्चा। हाँ, ग्रीन कपड़ा, ग्रीन नेट पे। देखो जैसे ऊपर देखो इन्होंने कवर कर रखा है, इस वजह से सर्दी है तो थोड़ा उस हिसाब से इन्होंने इसे कवर कर रखा है। अच्छा, गर्मियों में जैसे गर्मियों में हमें ये जरूरी होता है कि कवर करके रखें केचुआ? एक्चुअली में क्या होता है ना, अच्छा, कि इसको आप जितना अंधेरा दोगे उतना ही ये काम करता है। अच्छा, देखो ये कितनी अच्छी बात बताई है हमें कि जैसे मतलब जितना अंधेरा रहेगा उतना ही मतलब फायदा होगा, फायदा होगा। खाद भी, देखो हर कोई बेसिक चीजें नहीं बताते हैं, बट इन्हें एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से इतना मतलब बहुत बेसिक बेसिक चीजें बताई हैं, और ज्यादा बड़ा मतलब कोई हमारी लागत नहीं आती है इसके अंदर। जैसे स्टार्ट करने के लिए बताया हमें कि 10,000 से अगर हम नॉर्मली से स्टार्ट करना चाहें तो 10,000 से स्टार्ट करना चाहें तो उसका भी फिर अपना अपना हिसाब होता है। आजकल तो आपको पता है जैविक खाद हम ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, बट थोड़ा सा और जान लेते हैं क्योंकि 17 साल का एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये अपने हिसाब से बता देंगे कि कैसे इसे सेल कर सकते हैं, तो थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो बताओगे आपकी मतलब अगर कोई इसे सेल करना चाहे तो कैसे? आप यदि सेल करना चाहते हो तो सबसे तो बड़ी चीज ये है, ये तो ऐसा चीज है नहीं कि गली मोहल्ला में लेकर हम घूम सकते। हाँ, हाँ। बड़ी बड़ी नर्सरी जो है, हाँ। उससे आप कांटेक्ट करो। अच्छा। फिर जहाँ फल का बगान ज्यादा है, हाँ। जैसे नासिक हुआ, अच्छा। या कश्मीर साइड में सेब का खेती हो रहा है, हाँ, हाँ। फिर अपने यहाँ भी हरियाणा के अंदर भी, हाँ। बहुत सारे ऐसे फार्म हाउस बन गए जहाँ की खाली फल का ही खेती हो रहा है। अच्छा। उस टाइप का भी आप संपर्क बना सकते हो। और सबसे बड़ी चीज है ऑनलाइन, अच्छा, और कंपटीशन का मार्केट है आपका, क्वालिटी और क्वांटिटी। अच्छा, थोड़ा सा मार्जिन के बारे में बताओगे कि जैसे हमने एक बेड बनाया, जैसे तो एक बेड हमने बनाया, हाँ? एक टोली, अच्छा, हमने यदि खाद गिरा, हाँ? एक टोली में कम से कम आपको 2 टन खाद निकासी होगा। अच्छा, 2 टन यदि, हाँ, यदि आप, अच्छा, मैं आप खरीद कर लाते हो, हाँ? तो उसका हिसाब जोड़ लो, हाँ, आपका घर का है, घर का है तो आपका हो गया, वो तो बचत आपका है। तो 2 टन हमारा आया, तो कहने का मतलब यह है कि कितना डाउन रेट में जाएगा, तो 400 पर इसका आज भी है, 405 का रेट में इसका जो है, मतलब 4 रूपए केजी के। अच्छा, तो देखो 4 रूपए केजी कम से कम, जो कम से कम अमाउंट बताया हमने 4 रूपए केजी के हिसाब से, अपना जिम्मेदारी, हाँ, के हिसाब से आपने, हाँ, दिया जिम्मेदारी के हिसाब से आपने, मतलब जो होलसेल आपसे थोक ले जाते हैं, हाँ, हाँ, वो 6 रूपए 7 रूपए अपना वो अपना बेचते हैं जैसा भी। अच्छा अच्छा, तो देखा आपने कि मतलब एक छोटे से ही उससे अपना स्टार्ट कर सकते हैं हम, और गांव में रहते रहते अब हर किसी के पास बड़ी प्रॉपर्टी नहीं होती, बड़ी खेती नहीं होती है, तो अपना छोटा सा काम स्टार्ट कर सकते हैं नॉर्मली, जैसा हमें बताया कि ओनली 10,000 रुपए में, बस ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपए में हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आपने अपना टाइम दिया और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू।